आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बूटीज बनाने जा रही हूँ, जो 8 मंथ से 1 साल के बच्चे के पैरों में आ जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कलर के ऊन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने यह 2 कलर का ऊन लिया है। यह ऊन नॉर्मल है। इसे मैंने 11 नंबर सिलाई से बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए एक सिलाई से कुल 32 फंदे डालूंगी। आप साइज में छोटा बड़ा भी बना सकती हैं। बड़ा साइज के लिए जैसे कि आप 6 7 का बनाना चाहती हैं, लेडीज शू की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बनाना चाहती हैं तो उसमें कुल आप 55 फंदे डालकर आप बना सकती हैं। अभी मैं यह 8 मंथ के बच्चे का बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें टोटल 32 फंदे डालूंगी। टोटल 32 फंदे इस पे डालनी है। ये इसमें मैंने पूरे 32 फंदे डाले हैं। इसे मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। इसे उल्टी सिलाई पूरी करनी है। पूरी 32 फंदे को उल्टी बनानी है। सिलाई पूरी हो गई है। दूसरी सिलाई भी मैं उल्टे फंदे ही बनाऊंगी, उल्टी सिलाई बनाऊंगी। दूसरी सिलाई भी मुझे पूरे उल्टे फंदे इस प्रकार ये सिलाई पूरी हुई। अब उल्टे साइड पे दूसरे कलर का ऊन लगाना है। इसे लगाने के लिए पहली सिलाई सीधी सिलाई बनानी है। पहले फंदे को सीधे बनाना है और बाकी सारे फंदे को उल्टी सिलाई बनानी है। बाकी ये फंदे को उल्टी सिलाई यहाँ तक बनानी है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमने 10 फंदे बंद किए थे, इसीलिए हमें यहाँ 10 फंदे बनाने हैं। इसे बनाने के लिए लेफ्ट हैंड से इस तरह से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे हमने नए बना लिए। अब बचे ये 5 फंदे, इस 5 फंदे को उल्टी सिलाई बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब सीधी सिलाई
सीधी सिलाई से सिर्फ एक फंदे को सीधे निकालना है। अब बाकी सारे फंदे यानी कि पहले के ये चार फंदे और मैंने जो नए फंदे बनाए ये नए फंदे, इस नए फंदे को थोड़ा हल्के ही हाथों से बनानी है। इस तरह से दो तीन जो बड़े हुए फंदे हैं, तीन चार पाँच छः छः सात आठ नौ दस, ये दस फंदे जो हमने नए बनाए थे उसे बना लिए, ये इस तरह से आएगा। और बाकी शेष बचे फंदे को भी उल्टी सिलाई पूरी करनी है। इस तरह से ये हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 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 स्ट्रिप बनाने हैं, से दस स्ट्रिप हम बनाएंगे। इस प्रकार यह जो है दस स्ट्रिप हमारा तैयार हो गया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये बच्चों के लिए दस स्ट्रिप का साइज ठीक है। बड़ों के लिए आप इस स्ट्रिप को अपने पैरों के नाप के अनुसार बढ़ा सकती हैं। अब इसे बनाने के लिए यहाँ ये दूसरा ऊन का इस्तेमाल करूँगी। और इसे सारा बनाना है, इसे सारा बनाना है। पूरा होना है, ये पूरा करने के बाद ये जो खाली स्पेस है इसे अब छोड़ देना है, यानी कि यहाँ अब घर नहीं बनाना है। ये बचे फंदे जो ये पांच बचे फंदे हैं उसे एक साथ बुनेंगे, उसे एक साथ बना लेंगे। इसे बनाने के बाद यह हमारा पूरा एक लाइन पे आ जाएगा। अब फिर इसी पैटर्न को ये इस तरह से पैटर्न आएगा। अब इस सारे फंदे को इस तरह से एक दो तीन चार लाइन, टोटल सात लाइन बनाने, सात स्ट्रिप बनाने, टोटल फंदे को आप जोड़ते हुए सात स्ट्रिप बनाने। एक इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ये इस जगह पर इसे पूरा सेवन स्ट्रिप बनाना है। ये सिलाई पूरी हो गई है। यहाँ पर मैंने कुछ एक दो तीन चार पाँच छठा लाइन हमारा पूरा हो गया है। अब सातवां बनानी है। सातवां बनाने के लिए हमें यहाँ यहाँ हमें पांच घर बंद करना है। एक दो
चार पाँच, ये पांच फंदे को बंद कर देना है और बाकी बाकी बचे फंदे को ये स्टेप इन लाइन का पूरा करके फिर बंद कर देना है। यह इस तरह से तीन स्टेप बन गया है। अब उल्टी सिलाई से बंद कर देनी है। उल्टी सिलाई से सारे फंदे को बंद करने हैं। सारे फंदे को बंद कर देना है। सारे फंदे बंद हो गए हैं इस तरह से। अब इसके इसको आगे किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो कार्य पूरा हो गया है। अब मैं इसमें चोटी कैसे बनाया गया है इसके बारे में बताऊंगी। ये पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ मुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे सील देना है। इसको इस तरह से थोड़ा सा गांठ लगने जैसा, यानी ये बंद रहे, इस तरह से इसको सिलना है। अब इसे मैं आगे छोटी कैसे बनाऊंगी वो बता रहे। ये सीधे तरफ का है और ये उल्टे तरफ का है, इसे मैं इसको सीधे से ही घुसाऊंगी। हाँ, इस तरफ से आगे बनाना है। थोड़ा सा हल्का खिंचाव करते हुए आगे बढ़ना है ताकि एक तरह का चोटी बनता चला जाए। इस तरह से इसको फैलाते हुए जाएंगे, जैसा कि इसमें ऐसे फैलानी है। यह इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब इसे मैं आगे का प्रोसेस में सिलना बताऊंगी, इसे किस तरह से सिलना है। जैसे कि इस पोर्शन को इसकी सिलाई उल्टे से करनी है, मैंने सीधा किया ये इस तरह। यहाँ भी जैसा कि मैंने यहाँ पांच फंदे को घटाया था इसलिए ताकि कि इसका पोज अच्छा है, कॉर्नर जैसा ना निकले, इसके लिए मैंने घटाया था।
ये इस तरह से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें यहाँ सिलाई करनी है, फिर इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से जो यहाँ सिलाई होगी उसके बाद पूरी फिर इधर होगी और साथ में ये पोर्शन, इसे मैं आगे सिलने का तरीका बताऊंगी। इसकी सिलाई करने के लिए ये पैटर्न का के बराबर तक लाना है, जैसे देख रहे हैं हम लोग इस पैटर्न के बराबर तक लाए और लाने के बाद हमें इसको सिलना है। ऐसे बीच बीच में मैं इस तरह का भी स्टिच लगाऊंगी, गांठ वाले स्टिच। ऊन ऐसे हमारा ऊन काफी मजबूत है, फिर भी मैं सेफ्टी के लिए ताकि जल्दी सिलाई खुले नहीं तरह से यहाँ इस पोर्शन पे जहाँ पे मैंने 5 फंदे घटाए थे वहाँ पे गोलाई से हमें सिलाई करनी है। मैं करके बताती हूँ कैसे करनी है। ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे एक एक इधर से और इधर से इसको तरह से इस तरह से इस तरह से मैं गोलाई करते हुए ले जाऊंगी और इसको बंद करूंगी ताकि ये कॉर्नर की तरह यहाँ ना निकले। कॉर्नर की तरह नहीं निकलने के लिए हमें गोलाई से सिलनी पड़ती है। ये इस पोर्शन को लूंगी ऐसे लेने के साथ ये इस प्रकार की सिलाई पूरी भी पूरी हो गई है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी अंदर की ओर, अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहां से सिलाई करते हुए हमें यहां सिलाई करनी है।
से भी मैं सावधानी से करूंगी थोड़ा। यह इस तरह से सिलना है। आप चाहें तो पहले इधर से भी सिलाई करें। इसे सिलने के लिए पहले यहाँ ये कलर को इस तरह से मिला लें। और इसके बीच वाले पोर्शन से, यहाँ इस पोर्शन से हमें यहाँ पर मैं इस तरह का स्टिच लगाऊंगी। ये फ्लावर को अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से सिलने में यहाँ ख्याल रखना है, ये जो फ्लावर है छोटी वाले उसे नहीं सिलने हैं। इसे सिलने के लिए हमें इस तरह अंदर वाले भाग को अंदर करते हुए, और यहाँ भी ख्याल रखना है हमें कि ये एक बराबर तक आए, और इस तरह से यहाँ भी मैं गांठ वाले स्टिच का इस्तेमाल करूँगी। अब आप इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार के स्टिच से आप सिलाई कर सकते हैं। प्रकार हमें इसे सिलते हुए इधर पूरी सिलाई कर लेंगे, इसे सिलते हुए इधर पूरी सिलाई कर लेंगे। पूरी सिलाई हो गई है। अब इसको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। सीधी होने के बाद बहुत ही सुंदर प्यारी लगती है देखने में। ये पोर्शन जो मेरा खाली बचा हुआ है, इस पे या तो कोई बड़ा सा बटन या फ्लावर, खुद से बना हुआ फ्लावर या फिर बटन वगैरह लगा कर इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत
बना सकते हैं इस पोर्शन पे ऐसे करके इसे बना। देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी लग रही है देखने में। आप चाहें तो इसको यहाँ स्टिच भी ओनली कर सकती हैं, लेकिन एक फ्लावर देने से यह ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।